ओके, टुडे सेशन वी विल डिस्कस अबाउट सिस्टम टेस्टिंग. ठीक है, आज के सेशन में हमें ये डिस्कस करना है कि सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है. ओके, जैसे हमने इसके पहले सभी टाइप के टेस्टिंग्स देखे हैं, भाई टेस्टिंग क्या होता है, कितने टाइप के टेस्टिंग होते हैं. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को तीन टाइप में मोस्टली डिवाइड किया गया है, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, मेंटेनेंस. ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग के हमने टाइप डिस्कस किया, यूनिट टेस्टिंग डिस्कस किया, यूनिट टेस्टिंग के बाद हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग डिस्कस किया. आज का जो हमारा सेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टम टेस्टिंग. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टम का मतलब होता है कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर. यदि आपका पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, उसके बाद ही सिस्टम टेस्टिंग इंप्लीमेंट किया जाता है. सिस्टम टेस्टिंग इन बिटवीन डेवलपमेंट कभी भी नहीं होता. सिस्टम टेस्टिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट होता है, कि जैसे आपका वही सॉफ्टवेयर पूरी तरह से रेडी हो गया. सिस्टम इसलिए हम बोल सकते हैं कि सिस्टम टेस्टिंग इज द टेस्टिंग ऑफ ए कंप्लीट एंड फुली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. ठीक है, क्योंकि जब आपका पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, पूरे मॉड्यूल्स आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जितने भी टाइप के थर्ड पार्टी ड्राइवर्स होते हैं, प्रोवाइडर्स होते हैं, उन सबका पूरा कंप्लीट सिनेरियो, यदि आपका पूरा लिंकिंग यदि कंप्लीट होता है, उसके बाद ही सिस्टम टेस्टिंग इंप्लीमेंट होता है. ठीक है, एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक तरह से क्या होता है, आपका एक लार्जर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है. ठीक है, अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर इज इंटरफेस्ड विद अदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम. सॉफ्टवेयर का मोटिव क्या होता है, कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरफेस होना, दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना या हार्डवेयर सिस्टम से इंटरकनेक्ट होना. ये काम किसका होता है, सॉफ्टवेयर का होता है. सिस्टम टेस्टिंग इज एक्चुअली ए सीरीज ऑफ डिफरेंट टेस्टेस. सिस्टम टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्टिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट किया जा सकता है. ठीक है, इसके अंदर आप डेवलपर भी टेस्टिंग कर सकता है, डेवलपर भी उसको एनालाइज कर सकता है, टेस्टर्स भी कर सकता है, क्लाइंट भी कर सकता है. ठीक है, अदर टीम भी टेस्टिंग कर सकती है, कस्टमर्स भी टेस्टिंग कर सकता है. तो सिस्टम टेस्टिंग मतलब सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद सॉफ्टवेयर को चला करके रियल टाइम एग्जीक्यूट करके उसको हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. दैट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम टेस्टिंग. जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर के दो अलग अलग वर्जन रिलीज किए जाते हैं, एक उसका बीटा वर्जन और उसके बाद उसका मेन वर्जन. तो बीटा वर्जन का मतलब क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर अभी अंडर डेवलपिंग स्टेज में है. ठीक है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर कंपनी के थ्रू पूरी तरह से डेवलप कर दिया गया है, लेकिन अभी उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, उसकी टेस्टिंग फेज में है और उसके अंदर के जो बग हैं, वो बग उस सॉफ्टवेयर के अंदर रेज हो सकते हैं, इसलिए आप उसको प्रोफेशनली यूज ना करके आप उसके अंदर वर्क कर सकते हो. ठीक है, तो सिस्टम टेस्टिंग का पहला जो डिवीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है सिस्टम टेस्टिंग के अंदर, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है. देखो, जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, देयर आर मेनी केसेस दैट कि आपका यूआई किसी भी एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस को चेक करना, जैसे आप अभी कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉक्स बोलेंगे. ब्लैक बॉक्स में आपको ये पता नहीं होता कि इसके अंदर कोड क्या है. ब्लैक बॉक्स में आपको ये पता नहीं होता कि भाई इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है. ब्लैक बॉक्स का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ उसका यूजर इंटरफेस को देख करके, फंक्शनैलिटी को मैच करके रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ठीक है, तो 90% केस में जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम होती है, वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही करती है. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होता है, वो इंटरनल वर्किंग्स की बात है, कि आपने कोड कैसा लिखा है, आपने उस कोड को किस तरीके से उसमें कमेंट दिया है, नहीं दिया है, आपने जो प्रोग्रामिंग की हुई है, उस प्रोग्रामिंग के अंदर केस सेंसिटिविटी फॉलो किया है कि नहीं किया है, आपने प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग किया है कि नहीं किया है. ठीक है, आपका जो कनेक्शन है वो कहाँ पर है, इन सब चीज़ों को चेक करना व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का काम होता है. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो करता है, वो कौन करता है, डेवलपर करता है. किसी भी कंपनी के अंदर डेवलपर का जो डेवलपमेंट, जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं, वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक तरह से पूरी तरह से क्या हो गया, अपोजिट हो गया, क्योंकि ब्लैक बॉक्स का मतलब एक्सटर्नल वर्किंग से होता है और व्हाइट बॉक्स का मतलब इंटरनल वर्किंग से होता है. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, किसके अंदर, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स. ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप पर्टिकुलर, हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का जो सिनेरियो होता है, वो टेस्टिंग टीम से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ये पूरा डेवलपमेंट टीम के अंडर में किया जाता है. ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं. इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप के सिस्टम टेस्टिंग्स होते हैं, जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ टाइप्स बता देता हूँ. जैसे सिस्टम टेस्टिंग के 50 से भी ज़्यादा टाइप हैं, 50 टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग. ये तो मैंने आपको नॉर्मल जनरलाइज के, इससे ज़्यादा भी टाइप सिस्टम टेस्टिंग्स के हो सकते हैं. ठीक है, अब सिस्टम टेस्टिंग्स का जो पहला टाइप है, मैं थोड़ा सा इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, यूजिबिलिटी टेस्टिंग. क्योंकि इंटरव्यू में आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, उसके अंदर आपको वो सब चीज़ों को पता होना चाहिए कि भाई यूजिबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है. यूजिबिलिटी नाम से क्लियर है कि किसी भी एप्लीकेशंस को यूजर प्रोस्पेक्टिव से चेक करना, कि यूजर्स उसको कितने इजी वे में एक्सेस कर सकता है, दैट इज द पार्ट ऑफ यूजिबिलिटी टेस्टिंग. ठीक है, मीन्स फोकसेस ऑन द यूजर्स इजी टू यूज द एप्लीकेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, उस एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा क्रिटिकलनेस है,
कि भाई आपको शो नहीं हो रहा है कि यहाँ पर क्लिक करना है लेकिन वहाँ पे क्लिक हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि डेवलपर के मिस्टेक वाइज उसने कलर जो होता है हाइपर लिंक का कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों एक ही दे देता है। उससे क्या होता है कि सामने वाले एंड यूजर को पता नहीं चलता कि भाई ये हाइपर लिंक है ये नॉर्मल है, तो उसे बोलते हैं वो यूजिबिलिटी टेस्टिंग में फेल हो जाएगा। यूजिबिलिटी टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपका यूआई प्रॉपर है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास ये पर्टिकुलर एक साइट है, मैंने यहाँ पे साइट का नाम दे दिया शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन डॉट कॉम, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, एक कंप्लीट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे यूजिबिलिटी टेस्टिंग चेक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर यूजिबिलिटी टेस्टिंग में जाता हूँ, सबसे पहले मैं ये हाइपर लिंक चेक करता हूँ। तो देखो अब ये हाइपर लिंक यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हाइपर लिंक है, ठीक है। यदि मैं दूर से देख रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, आपका एक टेक्स्ट आ रहा है। यदि मुझे इसको क्या करना है, डेमोस्ट्रेट करना है भाई ये हाइपर लिंक है कि ये टेक्स्ट है, इसके लिए मैं यूजिबिलिटी टेस्टिंग मैनेज कर सकता हूँ। नाउ आई विल क्लिक ऑन यूट्यूब चैनल। जैसे मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इसका पेज रिडायरेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका यूजिबिलिटी टेस्टिंग क्या है, प्रॉपर है। मतलब ये पूरा यूजिबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू क्या कर रहा है, मैनेज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यदि आपको किसी भी पेज के अंदर यदि एक्चुअल सिनेरियो शो होते हैं, एक्चुअल यूआई के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं, उसे हम यूजिबिलिटी टेस्टिंग का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये इसके अंदर भी चेक हो रहा है कि भाई ये मेल है, तो किसी को भी चेक कर रहा है, मेल बॉक्स बना हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप इसमें आप किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या जो भी पर्टिकुलर आपका इस साइट का एडमिन है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक यूजिबिलिटी टेस्टिंग का ही पार्ट है। साथ में आपको कंटेंट क्या होना चाहिए, बिल्कुल शो होना चाहिए। कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ लोग ऐसा ऐसा फॉन्ट फैमिली यूज़ कर देते हैं कि कंटेंट दिखते ही नहीं है, तो वो यूजिबिलिटी टेस्टिंग। यूजिबिलिटी टेस्टिंग मतलब आपका यूज़र के जो आपने कंटेंट दिया वो कंटेंट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो इमेजेस आपने लगाया है वो इमेजेस प्रॉपर विजिबल है कि नहीं है, ठीक है। साथ में जो आपने, जैसे मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेशन लगाया, तो ये सर्टिफिकेशन प्रॉपर मैनेज्ड है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये सभी सेक्शन, जैसे मैं यूट्यूब के वीडियो का लिंक दिया हूँ, तो यहाँ पर यूट्यूब का जो वीडियो का लिंक है वो प्रॉपर आपको मैनेज हो रहा है कि नहीं, क्लिकेबल है कि नहीं, पता चला कि आपने यहाँ पे लिंक कर दिया लेकिन ये क्लिकेबल ही नहीं है, ये क्लिकेबल है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यदि मुझे यूट्यूब के साइट्स में यदि इसके अंदर जाना है तो मैं उसके अंदर जा पा रहा हूँ नहीं जा पा रहा हूँ, ये सभी चीज़ें हम इसके अंदर इसके थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दी जाता पार्ट ऑफ यूजबिलिटी टेस्टिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, यूजबिलिटी टेस्टिंग। मतलब यूज़ करके देखना इट्स वर्किंग प्रॉपरली और ना। इसके बाद दूसरा पार्ट देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टम टेस्टिंग में कुछ ऐसे टेस्टिंग होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, कुछ ऐसे टेस्टिंग होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं, क्योंकि सिस्टम मतलब पूरे कंप्लीट सॉफ्टवेयर को चेक करना। तो सिस्टम टेस्टिंग में दोनों टाइप के टेस्टिंग्स क्या होते हैं, मिक्सर होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं यदि बात करता हूँ लोड टेस्टिंग का, लोड टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि ये आपको चेक करता है कि आपका जो एप्लीकेशन है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, वो रियल लाइफ के लोड्स को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके एप्लीकेशन के अंदर 1000 यूजर्स यदि एक साथ क्या करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम देंगे, तो वो उसको लोड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ लोड टेस्टिंग। इसके बाद तीसरा आता है आपका रिग्रेशन टेस्टिंग। ये मैंने आपको बताया था, रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी किसी भी टाइप का क्या आया, बग आया। बग आने के बाद आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डेवलपर के पास सेंड कर दिया, डेवलपर ने उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आप वापस से फ्रॉम फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ सिस्टम टू लास्ट मॉड्यूल यदि आप चेक करते हो, अगेन एंड अगेन यू आर चेकिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग डन टू मेक श्योर नन ऑफ द चेंजेस मेड ओवर द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैव कॉज न्यू बग्स, ठीक है। इसमें किसी भी टाइप का यदि आपने कोई चेंजेस किया है, ठीक है, बग को सॉल्व करने के लिए, तो हम वापस से टेस्ट करते हैं कि उसमें पुराने मॉड्यूल्स के अंदर किसी भी टाइप का, या जो पहले से जो आपका सिस्टम चल रहा है उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मतलब नया चेंजेस करने से पुराना एजिटिस चलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। रिकवरी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर में यदि किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर के अंदर आपका कोई डेटा क्रैश हो गया या डेटाबेस ही क्रैश हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए आपने क्या टेक्निक यूज़ किया है, दैट इज द पार्ट ऑफ रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग इज डन टू डेमोंस्ट्रेट अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड कैन सक्सेसफुली रिकवर फ्रॉम पॉसिबल क्रैशेस। यदि आपके सिस्टम में किसी भी टाइप का कोई फेल्योर हो जाता है या कोई रिकॉप हो जाता है, उसको रिकॉप करने के लिए आपने क्या किया, उसको रिकवर करने के लिए आपने क्या किया, जो भी आपके क्रैशेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि मेरा पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया। अब वैसे यदि मुझे करप्ट हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने से क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, आपका उनका बैकअप के लिए आपने क्या किया हुआ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है, एक अलग से बैकअप ड्राइव प्रोवाइड करता है जिससे आप वापस से अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर क्या है, सिस्टम का रीस्टोर पॉइंट पता है, रीस्टोर पॉइंट से वापस से आप अपने कंटेंट को रीस्टोर कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं रिकवरी टेस्टिंग।
ओके इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको माइग्रेशन टेस्टिंग। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने अपने सिस्टम पे तो आपने बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर को चेक कर लिया, लेकिन जब वो किसी दूसरे सिस्टम पे आप सॉफ्टवेयर को मूव करते हो तो उसके अंदर क्या क्या बग्स अराइज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसे बोलते हैं माइग्रेशन टेस्टिंग। ओके जैसे आपको रहता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपके प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में तो अच्छे चलते हैं लेकिन आप दूसरे कंप्यूटर में चला दो तो अच्छे नहीं चलते हैं। लेकिन हम सीधी सी बात है, हम किसी किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे भाई ये मशीन पर नहीं चलेगा, ये मशीन पर नहीं चलेगा, वो किसी भी मशीन पर चलना चाहिए। तो उसको मैनिपुलेट करना, उसको क्रॉस चेक करना, उसको रिप्रेजेंट करना, दैट इज द पार्ट ऑफ माइग्रेशन टेस्टिंग। इसके बाद मैंने आपको बताया था फंक्शनल टेस्टिंग, फंक्शनलिटी को चेक करना, किसी भी एप्लीकेशन के इंटरनल फंक्शनलिटी को चेक करना, लॉगिन फॉर्म को चेक करना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक करना, ठीक है, यदि उसके अंदर कोई कैलकुलेटर है तो उसको चेक करना, इसे बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि आपका इंटरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, हार्डवेयर का भी इंटरेक्शन होता है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर ये होता है कि जैसे हम मैंने आपको समझाया अभी तक, जब हम कोई SRS बनाते हैं तो उसके अंदर हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लेते हैं। तो हम वहाँ पे वो चेक करेंगे भाई मिनिमल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आपका कंप्यूटर चल रहा है कि नहीं, आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा मुझे 2 GB रैम पे मेरा सॉफ्टवेयर चलना चाहिए, तो 2 GB रैम पे भी आपको चेक करना है और हायर रैम पे भी आपको चेक करना है। तो मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ पे भी आपको सॉफ्टवेयर को चेक करना है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे भी उसको चेक करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, इसको IBM कंपनी ने सबसे पहले रिफर किया था कि भाई आप सीधी सी बात है आपको सिर्फ एप्लीकेशन के इंटरनल फंक्शनलिटी को चेक नहीं करिए, उसके एक्सटर्नल फीचर को चेक नहीं करिए, साथ में आप उसके अंदर जितने अटैच डिवाइस हैं जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हैं उनको भी आपको चेक करना है। इसके अलावा कुछ और टाइप होते हैं टेस्टिंग्स के जिनको मैं मैनेज करूँगा, जैसे आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इट इज़ द आल्सो द पार्ट ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, लेकिन ये एक तरह से नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट भी हम बता सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर का जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस है कि भाई वो यूजर वो कितना जल्दी सर्वर से लोड होकर के आपके ब्राउजर्स पे दिख रहा है, या कितना जल्दी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर का फॉर्म कंटेंट लोड हो रहा है, कितना जल्दी आपका डेटा कंटेंट लोड हो रहा है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मेन मोटिव होता है कि आपके सिस्टम के अंदर के स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन इनको मैनिपुलेट करना, इनको क्रॉस चेक करना, दिस आर द वर्क ऑफ दिस। ओके तो अब इस सेशन में हमने इतने टेस्टिंग्स मैनेज किया, नेक्स्ट सेशन में हम और सिस्टम टेस्टिंग्स देखेंगे। थैंक्स फॉर दिस सेशन।